स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फोर्थ का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है रेडार रेंज इक्वेशन। ये इस यूनिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि रेडार, कोई भी रेडार किस मैक्सिमम डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उसी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम रेडार रेंज इक्वेशन का इक्वेशन निकालेंगे जो कि कुछ इस तरीके से। तो पहले, दिस इक्वेशन गिव्स अस मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द रेडार कैन सेंस एन ऑब्जेक्ट। जहाँ तक रेडार किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देता है। हमने लेट किया कि यहाँ एक रेडार है और ये एंटीना है। एंटीना की जो पावर है वो हमने पी आर मानी, जो उसकी सेंस पावर है वो हमने पी आर मानी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रेडार रेंज डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीविंग एंटीना। हमेशा रेडार रेंज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रिसीविंग एंटीना की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है कि वो कितनी सेंसिटिव वाले पल्स को भी सेंस कर सकता है। अगर कोई ऐसी पल्स आई जो उसकी सेंसिटिविटी से भी वीक है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमेशा द पावर ऑफ रिसीव्ड पल्स वो ज़्यादा होनी चाहिए, शुड बी सच दैट इट कैन बी सेंस्ड बाय द रिसीविंग एंटीना ऑफ द रेडार। उसको हम डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेडार एंटीना बनाया है, लेट किया है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लेट किया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। एंटीना है, एंटीना कुछ ना कुछ रेंज, एंटीना पल्स को सेंड करेगा, तो पल्स को जो वो सेंड करता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं सेंड करके वो चारों तरफ सेंड करता है, तो वो एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है अपने चारों तरफ। माना कि ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे है इससे, और तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी कुछ पावर होगी। तो पावर क्या हो जाएगी, लेट पी बी द पावर ऑफ ऑन स्पेरिकल वेव फ्रंट एट द डिस्टेंस आर। मतलब आर डिस्टेंस के ऊपर पूरे के पूरे वेव फ्रंट पे जो पावर है वो कितनी है, पी पावर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पावर कितनी हो जाएगी, तो देयरफॉर पावर एट अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड विल बी, माना उसको पी डैश, तो पी डैश इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr². स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो टोटल पावर जो होगी वो पूरे के पूरे स्पेयर पे होगी, वो हो जाएगी हमारी फोर पाई आर स्क्वायर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, पी डिवाइडेड बाय 4πr², और हमारा जो एंटीना है वो ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होके वो क्या, हर डायरेक्शन के अंदर सेम पावर को सेंड करता है, रेडिएट करता है। फिर हमने माना कि इफ़ द पावर गेन ऑफ द एंटीना इज़ ए पी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी जो गेन है, पावर की गेन है, वो ए पी है, तो टोटल पी डैश हमारे पास में कितना हो जाएगा, ए पी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए पी पी अपॉन 4πr². इसे हम इक्वेशन वन लेट कर लेंगे। देन लेट द सर्फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एस, माना कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पावर जा रही है उसका सर्फेस एरिया एस है, तो वो उतनी की उतनी एस जो सरफेस एरिया होगा वो उतनी पावर को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो बी एस, तो टोटल पावर, देन द टोटल पावर इंसिडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी इंसिडेंट हो जाएगी, पी डैश इंटू एस, मतलब टोटल जितना भी सरफेस एरिया है वो उस पावर को क्या कर लेगा, अपने अंदर इंसिडेंट करवा देगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा देगा, तो हमारे पास में टोटल पावर आ जाएगी पी डबल डैश। तो पी डबल डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए पी एस पी अपॉन 4πr². देन द ऑब्जेक्ट देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स दिस पावर पी डबल डैश। अब ये पी डबल डैश जो पावर ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की वो ही वो रेडिएट करेगा, वापस ट्रांसमिट करेगा, इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। क्यों, क्योंकि एंटीना कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी एंटीना नहीं है, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर सेम पावर रेडिएट करेगा। तो अब द पावर रीचिंग द रेडार एंटीना एट पॉइंट विल बी, अब पावर जो रीच कर रही है रेडार एंटीना को, अब यहाँ पे हमने ये एंटीना ही माना है तो इतने ही डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, सेम वेव फ्रंट है, तो हमारे पास में वो पावर कितनी हो जाएगी जो रेडिएट करेगी, तो पी आर इज इक्वल्स टू पी डबल डैश डिवाइडेड बाय 4πr², मतलब जितनी पावर उसने एब्जॉर्ब की थी वो उसने रेडिएट करी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब एंटीना के ऊपर पी आर उसकी पावर कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4πr². अब पी डबल डैश की जो हमारी वैल्यू है इसको जब अपन पुट करते हैं तो हमारे पास में ए पी एस पी अपॉन 4πr² का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने माना कि जो एंटीना है उसका अपना कोई एरिया है आर,
एपरेचर है, एपरेचर एरिया जिसको हमने ए नॉट माना, उसी के ऊपर तो इंसिडेंट होगा हमारा जो भी रिसीव्ड पल्स है, तो उसका एरिया जो है वो ए नॉट है, तो ए नॉट जो है वो पी आर इंटू ए नॉट हो जाएगा, तो पी आर डैश हमारे पास में आ जाएगा ए पी एस पी ए नॉट अपॉन 4πr² का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई जिसे हम देख सकते हैं पी आर डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो यही जो पी आर डैश मिनिमम होगा तो उस केस के अंदर हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अभी इसी रेंज को हमने आर मैक्सिमम लिख दिया, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उधर ले जाने के ऊपर हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है ए पी ए नॉट एस पी डिवाइडेड बाय 16π² आर पी आर डैश मिनिमम होल पावर 1/4। तो हेयर पी आर डैश मिनिमम इज़ द पावर सेंसिटिविटी ऑफ रेडार एंटीना, ये पावर सेंसिटिविटी है रेडार एंटीना की, मिनिमम से मिनिमम पावर सेंसिटिविटी है, उससे मिनिमम अगर कोई पावर आती है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड देयरफॉर आर मैक्सिमम गिव्स अस द मैक्सिमम रेंज अप टू विच द रेडार एंटीना कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये वो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्सिमम जहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई रडार जो है वो सेंस कर सकता है, उसके बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे सेंस नहीं कर पाएगा, उसके पास आने का वो वेट करेगा। ओके, थैंक यू।